कांग्रेस ने अपने 138वें स्थापना दिवस से देश के लिए दान चंदा अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं बीजेपी ने इसे उगाही करार दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए जब 4 महीने का समय बाकी है, तो आने वाले दिनों में यह जुबानी जंग कहां तक जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। 138वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 138वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 138 रुपये से लेकर 13,800 रुपया कार्यकर्ताओं से पार्टी फंड में योगदान करने का अनुरोध किया गया है। हमको भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पत्र प्राप्त हुआ है। चूंकि आज दिल्ली में ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है और कल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने विभिन्न वर्ग के कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर जिस कार्यकर्ता की जितनी सामर्थ्य होगी 138 रुपये से लेकर 13,800 तक का जो योगदान करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने हमको कहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक धनराशि हम यहाँ से एकत्र करके केंद्रीय कोष में जमा करने का प्रयास करें। आज फिर जो है चंदे के नाम पर उगाही करने का उसने निर्णय लिया है, तो उनको मुबारक हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों में देश के उद्योगपतियों को नहीं छोड़ा, देश के व्यापारियों को नहीं छोड़ा और लगातार वो उनसे डरा धमका के उगाही करती रहती थी। आज फिर जो है उनसे जो है चंदे के नाम पर उगाही करने का उसने निर्णय लिया है, तो उनको मुबारक हो। उनको अपनी पार्टी चलानी है, अब राज्यों से लगभग उनका सफाया हो रहा है, अब राज्य उनके पास रहने गए हैं पार्टी चलाने के लिए, उनको अब जनता के चंदे की आवश्यकता पड़ रही है, तो उनको मुबारक हो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।